हौसलों की तरकस में जीतने का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में जीतने का वो तीर जिंदा रखो, अगर हार जाओ जीवन में सब कुछ तो, अगर हार जाओ जीवन में सब कुछ तो, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अगर हार जाओ जीवन में सब कुछ तो, मेरे प्यारे बच्चों, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट एंड टॉपिक ये है कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं। सो आज कुछ टॉप 10 MCQ फिर से मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं आपके लिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डेट इज इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन। सो इन्फेक्शियस प्रोटीन जो होता है वो प्रियॉन्स में होता है, ठीक है। प्रियॉन्स एक मतलब वायरस, वायराइड और प्रियॉन्स, मतलब सबसे छोटा जो एक स्ट्रक्चर है वो प्रियॉन्स का है और सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। सो प्रियॉन्स इज द इन्फेक्शियस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ होस्ट सेल डीएनए इज कॉल्ड। सो वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ होस्ट सेल डीएनए दैट इज नोन एज द प्रोफेज। प्रोफेज एक ऐसा एक फेज है बेसिकली जिसमें वायरल जीनोम डीएनए के होस्ट सेल से कनेक्ट रहता है, तो वो जो फेज होता है उसे प्रोफेज कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ होस्ट डीएनए सेल इज कॉल्ड इज प्रोफेज, ठीक है, दैट इज अ प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन बोथ द डीएनए एंड आरएनए। ऐसा कौन सा वायरस है जिसमें दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है, जैसे आपने पढ़ा होगा या हम देखते हैं कि मतलब वायरस की कैटेगरी है, तो वो डीएनए होगा या तो आरएनए, लेकिन इसमें दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, तो वो जो वायरस होता है डेट इज अ ल्यूको वायरस। ल्यूको वायरस इज ऑनली वायरस दे कंटेन बोथ जेनेटिक मटेरियल डेट इज अ डीएनए एंड आरएनए। तो आपको इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। पोलियो इज कॉज्ड बाय अ, बेसिकली पोलियो भी एक वायरस होता है और ये कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है बेसिकली। तो पोलियो इज कॉज बाय अ वायरस विथ अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसे आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। सो बेसिकली इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं वो वायरस होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इंट्रा मतलब सेल के सराउंडिंग, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है मतलब ऑप्शनल, ठीक है, पैरासाइट। तो ऑब्लिगेटरी जो पैरासाइट होते हैं, हालांकि पैरासाइट के और भी फॉर्म है लेकिन ऑब्लिगेटरी फॉर्म में वायरस भी आता है, तो इसलिए वायरस इसका आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायरस डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया। सो बैक्टीरियम से वायरस डिफर होता है क्यों और क्या वो कंटेन करता है, तो डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल विथ नो राइबोसोम। सो जो बैक्टीरियम होता है बेसिकली डीएनए या आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल विथ नो राइबोसोम, मतलब राइबोसोम इसमें नहीं होता, तो वायरस इसके रेफरेंस में क्या होता है, थोड़ा सा बैक्टीरियम से डिफर होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेट्रो वायरस जेनेटिक मटेरियल इज। सो रेट्रो वायरस HIV भी एक तरीके का रेट्रो वायरस बताया था मैंने एक बार आपको। सो रेट्रो वायरस जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो HIV भी एक रेट्रो वायरस है, ये भी क्या है बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के फॉर्म में ही होता है, तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दैट इज इंटरफेरॉन्स आर। सो इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स एक मतलब बॉडी में इंटरफेरॉन्स डेवलप होते हैं किसके लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए, वायरल की एंट्री के लिए एक एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनता है, उसे इंटरफेरॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो मतलब वायरस को मारने के लिए या वायरस सेल्स को मारने के लिए या वायरल एंटीजन वायरस को मारने के लिए बेसिकली इन सब चीजों का डेवलपमेंट होता है। तो प्रोटीन सेक्रेटेड बाय अ वायरस इन्फेक्टेड द सेल, ओके,
विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम अ फर्दर वायरस इन्फेक्शन। सो इंटरफेरॉन क्या करता है कि वायरस की एंट्री को, वायरस सेल्स को, वायरस को क्या करता है, इफेक्ट करता है, और ये दोबारा से एंट्री ना कर पाए। तो इस तरीके से इंटरफेरॉन वर्क करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली इंटरफेरॉन ही एक प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ 5x174 बैक्टेरियोफेज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ 5x174 इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो 5x174 इससे पहले भी मैंने परसों की सीरीज में इसके बारे में बताया था। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसका होता है और इसे आपको याद रखना है, ठीक है। एक बैक्टेरियोफेज है, बेसिकली क्या है, बैक्टेरियोफेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। मतलब कह रहा है कि सेल थ्योरी गिवन बाय द स्लाइडन एंड सॉन 1637-38 एंड डिस्क्राइब सेल इज द बेसिक एंड द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल हैव अ इंडिविजुअल डीएनए एंड दे परफॉर्म और ए ट्रांसफॉर्म द डीएनए विद द जेनेटिक करेक्टर वन जनरेशन टू अनदर। सो ये उन्होंने बताया था। सो अब ये कह रहा है कि विच इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, मतलब एक्सेप्शन क्या है। देखिए जितने एनिमल्स हैं, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म है उसमें होंगी, ठीक है। तो रेप्लिकेशन के थ्रू ही क्या करेगा, ये एक दूसरे से ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन है वो वायरस होता है, एक्सेप्ट द वायरस सेल थ्योरी सब में इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस इज अ, सो हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटिक रीजन को, जो मैं क्या कहूँ, जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है, वो जो वायरस होता है उसे बोलते हैं हेपेंड्रा वायरस। क्या बोलते हैं, हेपेंडा वायरस। सो ये एक स्पेसिफिक टाइप का वायरस है जो हेपेटिक रीजन पर इफेक्ट करता है और पीलिया जॉन्डिस जैसी चीजों को शरीर में फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द वायरस। सो वायरस इज बेसिकली जो होता है, मतलब एक तो रेप्लिकेशन उसमें ज्यादा है, ठीक है, कॉन्टेक्ट में आते ही लिविंग्स के मतलब लिविंग्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है, रेप्लिकेशन बहुत अच्छा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए के फॉर्म में होता है, जैसा उसकी नेचर है तो उस तरीके से वो बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन करता है। लेकिन इसमें हेलिकल सिमेट्री नहीं होती, तो ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेलिकल इसमें सिमेट्री नहीं होती। तो स्टेटमेंट जो रॉन्ग है वायरस का, उसमें हेलिकल सिमेट्री नहीं होती, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये कुछ टॉप सीरीज के क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। ये काफी मैं एनालाइज करने के बाद आप लोग के लिए टॉप 10 सीरीज निकाल के लाती हूँ, ठीक है। पढ़ाने को तो बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए, तैयारी भी हो जाए और सारी चीजें अपने फेवरेबल हो जाएं। सो आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो, गिव अ मोर लव फॉर बायोलॉजी पाठशाला, कीप डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू अदर स्टूडेंट, एंड बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला, थैंक्स अगेन, कीप वॉचिंग टू ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।